हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक नया रिव्यू वीडियो लेकर के आई हूँ, जो है जॉय हनी एंड आलमंड नरिशिंग स्किन क्रीम। तो ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये जॉय का हनी एंड आलमंड नरिशिंग स्किन क्रीम है। इसके और दो वेरिएंट्स आते हैं मार्केट में, एक प्योर एलोवेरा क्रीम और एक स्किन फ्रूट एक्टिव मॉइस्चराइज़र। तो अब इस क्रीम की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हनी एंड आलमंड, जो दोनों ही इंग्रेडिएंट नेचुरल हैं और काफ़ी अच्छी होती है, हमारे स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। हनी हमारे स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाने में हेल्प करता है और ग्लोइंग इफ़ेक्ट भी लाने में हेल्प करता है। आलमंड में बहुत सारे विटामिन होती है, जिससे कि ये हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज नरिश हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है, ड्राइनेस को काफ़ी टाइम तक दूर रखता है। इसके अलावा इसमें वीट जर्म ऑयल और नेचुरल सनस्क्रीन है। वीट जर्म ऑयल में भी बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टीज़ होती है, हमारी ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, इफ़ेक्टिव होती है। और इसमें आपको नेचुरल सनस्क्रीन भी मिलेगी, जिससे सन के हार्मफुल रेज से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसकी प्राइस है 10 रुपीज़ और क्वांटिटी है 15 ml की। तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है दूसरे मॉइस्चराइजिंग क्रीम से, और ये 2-3 साइज़ में अवेलेबल हैं मार्केट में। एक 50 ml की 48 रुपीज़ में, एक 500 ml की आती है 275 रुपीज़ में, और आप इसे 3 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर। तो अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरह की पैकेजिंग में आती है, येलो कलर में है, प्लास्टिक टब की पैकेजिंग है, जो काफ़ी अच्छी दिख रही है, छोटी सी है, स्टडी पैकेजिंग है। तो आप इसे कहीं भी इजली कैरी करके ले जा सकते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो अब इसे ओपन करके देखते हैं। ओपन करते ही हमें सिल्वर की इसकी कवरेज मिलती है, और इसे हटाने के बाद ये क्रीम जो वाइट कलर में है, क्रीमी है, और इसकी कंसिस्टेंसी ये देखिए, ना ही ज़्यादा थिक है ना ही ज़्यादा रनिंग है। इसे लगाते ही तुरंत से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसे एब्जॉर्ब होने में, 1-2 सेकेंड के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, और लगाने के बाद बिल्कुल भी स्टिकी सा फील नहीं देता है, एकदम लाइट वेट है ये क्रीम। और आप देख सकते हैं स्किन पे साइन भी आ रही है, थोड़ी ग्लो आ रही है, और इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी माइल्ड है, स्वीट सी स्मेल है। तो ये क्रीम विंटर के लिए काफ़ी अच्छी क्रीम है, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए। ऐसे विंटर में सभी की स्किन ड्राई हो जाती है, चाहे वो ऑयली स्किन वाले क्यों ना हो, तो विंटर में ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, सभी स्किन टाइप ये क्रीम को यूज़ कर सकते हैं और अपने स्किन को नरिश मॉइस्चराइज रख सकते हैं। तो ये क्रीम हमारी सारी स्किन की ड्राइनेस की प्रॉब्लम को दूर करती है, ये डीपली नरिश करती है, हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करती है, और बहुत ही अच्छा काफ़ी टाइम तक स्किन को मॉइस्चराइज भी रखती है,
और सॉफ्ट स्मूथ सपल स्किन प्रोवाइड करता है, और ये एंटी एजिंग को भी आने से रोकता है, इसके प्रोसेस को स्लो करता है, और स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो भी प्रोवाइड करता है। आप इसे अपने फेस पे और पूरे बॉडी पे भी लगा सकते हैं। आपको इसे डेली 2 टाइम्स लगाना है, फेस वॉश करने के बाद, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में सोने से पहले। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे कितना बार भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, आपको भी इसे ट्राई देना चाहिए। तो ये था मेरा रिव्यू ये प्रोडक्ट को लेकर। आई होप कि मेरा रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय।